अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज मैं एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। कहानी का नाम है आपा, जो मुमताज़ मुफ्ती की लिखी हुई है। आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कभी बैठे बिठाए मुझे आपा याद आती तो मेरी आँखों के आगे एक छोटा सा बलूरी दिया आ जाता है, जो मध्यम लौ से जल रहा हो। मुझे याद है एक रात हम सब चुपचाप बावर्ची खाने में बैठे थे, मैं, आपा और अम्मी जान। ये छोटा बद्दू भागता हुआ आया। इन दिनों बद्दू यही 6-7 साल का होगा, कहने लगा, अम्मी जान मैं भी बा करूंगा। ओहो, अभी से? अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कहने लगी, अच्छा बद्दू, तुम्हारा ब्याह आपा से कर दें? बद्दू ने सर हिलाते हुए कहा। अम्मा कहने लगी, क्यों, आपा को क्या है? हम तो छाजोबाजी से बाह करेंगे, बद्दू ने आंखें चमकाते हुए कहा। अम्मा ने आपा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगी, क्यों, देखो तो आपा कैसी अच्छी हैं। मैं बताऊं कैसी हैं? वह चिल्लाया। हाँ बताओ तो भला, अम्मा ने पूछा। बद्दू ने आंखें उठाकर चारों तरफ देखा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर इसकी निगाह चूल्हे पर आकर रुकी। चूल्हे पर उपले का एक जला हुआ टुकड़ा पड़ा था। बद्दू ने उसकी तरफ इशारा किया और बोला, ऐसी। फिर बिजली के रोशन बल्ब की तरफ उंगली उठाकर चीखने लगा, और छाजूबाजी, ऐसी। इस बात पर हम सब देर तक हंसते रहे। इतने में तसद्दुक भाई आ गए। अम्मा कहने लगी, तसद्दुक, बद्दू से पूछना तो आपा कैसी हैं। आपा ने तसद्दुक भाई को आते हुए देखा तो मुंह मोड़कर यूं बैठ गई जैसे हंडिया पकाने में मुनहमक हो। हाँ तो कैसी है आपा बद्दू, वो बोले। बताऊं, बद्दू चिल्लाया और इसने उपले का एक टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। गालबन वो इसे हाथ में लेकर हमें दिखाना चाहता था, मगर आपा ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उंगली हिलाते हुए बोली, बद्दू। बद्दू रोने लगा तो अम्मा कहने लगी, पगले, इसे हाथ में नहीं उठाते, इसमें चिंगारी है। वो तो जला हुआ है अम्मा, बद्दू ने बसोरते हुए कहा। अम्मा बोली, मेरे लाल, तुम्हें मालूम नहीं किसके अंदर तो आग है, ऊपर से नहीं दिखाई देती। बद्दू ने भोलेपन से पूछा, क्यों आपा, इसमें आग है? इस वक्त आपा के मुंह पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। मैं क्या जानू, वो भर्राई हुई आवाज में बोली और फूंकनी उठाकर जलती हुई आग में बेमसरफ फूंके मारने लगी। अब मैं समझती हूँ कि आपा दिल की गहराइयों में जीती थी, और वो गहराइयाँ इतनी अमीक थीं कि बात उभरती भी तो निकल ना सकती। इस रोज़ बद्दू ने कैसे पते की बात कही थी, मगर मैं कहा करती थी, आपा तुम तो बस बैठी रहती हो, और वो मुस्कुराकर कहती, पगली, और अपने काम में लग जाती हैं। वैसे तो वो सारा दिन काम में लगी रहती थी, हर कोई इसे किसी ना किसी काम को कह देता और एक ही वक्त में इसे कई काम करने पड़ते। इधर बद्दू चीखता, आपा मेरा दलिया। उधर अब्बा घोरते, सजादा अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? बीच में अम्मा बोल उठती, बिटिया धोबी कब से बाहर खड़ा है? और आपा चुपचाप सारे कामों से निपट लेती। ये तो मैं खूब जानती थी, मगर इसके बावजूद जाने क्यों उसे काम करते हुए देखकर ये महसूस नहीं होता था कि वो काम कर रही है या वो इतना काम करती है। मुझे तो बस यही मालूम होता कि वो बैठी ही रहती है, और इसे इधर इधर गर्दन मोड़ने में भी इतनी देर लगती है, और चलती है जो चलती हुई मालूम ही नहीं होती। इसके अलावा मैंने आपा को कभी कहकहा मारकर हंसते हुए नहीं सुना था, ज्यादा से ज्यादा मुस्कुरा दिया करती थी, और बस अलबत्ता वो मुस्कुराया अक्सर करती। जब वो मुस्कुराती तो उसके होंठ खिल जाते और आंखें भीग जाती।
हाँ, मैं तो समझती थी कि आपा चुपकी ही बैठी रहती है, जरा नहीं हिलती और बिन चले लुढ़क कर यहां से वहां पहुंच जाती है, जैसे किसी ने इसे ढकेल दिया हो। इसके बरक्स साहरा इतने मजे से चलती थी जैसे दादरे की ताल पर नाच रही हो, और अपनी खालाजाद बहन साजूबाजी को चलते देखकर तुम्हें कभी ना उकताती। जी चाहता था कि बाजी हमेशा मेरे पास रहे, और चलते चलते इस तरह गर्दन मोड़कर पंजाब आवाज में कहे, हे जी क्यों जी, और इसकी काली काली आंखों के गोशे मुस्कुराने लगी। बाजी की बात बात मुझे कितनी प्यारी थी। सहरा और सुरैया हमारे पड़ोस में रहती थी। दिन भर इनका मकान इनके कहकहों से गूंजता रहता था, जैसे मंदिर में घंटियां बज रही हूं। बस मेरा जी चाहता कि उन्हीं के घर जा रहा हूं। हमारे घर में रखा ही क्या था, एक बैठ रहने वाली आपा, एक ये कर दो वो कर दो वाली अम्मा, और दिन भर हुक्के में गुड़गुड़ाने वाले अब्बा। इस वक्त मैंने अब्बा को अम्मी से कहते हुए सुना। सच तो यह कि मुझे बेहद गुस्सा आया। अब्बा कहने लगे, सजादा की माँ, मालूम होता है सहरा के घर में बर्तन बहुत है। क्यों, अम्मा पूछने लगी। कहने लगे, बस तमाम दिन बर्तन ही बजते रहते हैं, और या कहकहे लगते हैं जैसे मेला लगा हो। अम्मा तुनक कर बोली, मुझे क्या मालूम, आप तो बस लोगों के घरों की तरह कान लगाए बैठे रहते हैं। अब्बा कहने लगे, ओहो, मेरा तो ये मतलब है कि जहाँ लड़की जवान हुई बर्तन बजने लगे, बाजार के इस मोड़ तक लोगों को खबर हो जाती है कि फला घर में लड़की जवान हो चुकी है। मगर देखो ना, हमारी सजादा में ये बात नहीं। मैंने अब्बा की बात सुनी और मेरा दिल खोलने लगा। बड़ी आई है सजादा? जी हाँ, अपनी बेटी जो हुई। इस वक्त मेरा जी चाहता था कि बावर्ची खाने में बैठी हुई आपा को मुंह चिड़ाऊं। इस बात पर मैंने दिन भर खाना ना खाया और दिल ही दिल में खोलती रही। अब्बा जानते हैं क्या है, बस हुक्का लिया और गुड़गुड़ कर लिया, ज्यादा से ज्यादा किताब खोलकर बैठ गए और गिटमिट गिटमिट करने लगे, जैसे कोई भटियारी मक्के के दाने भून रही हो। सारे घर में ले दे के सिर्फ तसद्दुक भाई ही थे जो दिलचस्प बातें क्या करते थे, और जब अब्बा घर पर ना होते तो वो भारी आवाज में गाया भी करते थे। जाने वो कौन सा शेर था, हाँ हाँ याद आया, चुप चुप से वो बैठे हैं, आंखों में नमी सी है, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है। आपा उन्हें गाना सुनकर किसी न किसी बात पर मुस्कुरा देते, और कोई बात ना होती तो बद्दू को हल्का सा थप्पड़ मारकर कहती, बद्दू रोना, और फिर आप ही आप बैठी मुस्कुरा दे। तसद्दुक भाई मेरे फूफा के बेटे भाई थे। उन्हें हमारे घर आए यही 2 माह हुए होंगे, कॉलेज में पढ़ते थे। पहले तो वो बोर्डिंग में रहा करते थे, फिर एक दिन जब फूफी आई हुई थी तो बातों ही बातों में इनका जिक्र छिड़ गया। फूफी कहने लगी, बोर्डिंग में खाने का इंतजाम ठीक नहीं, लड़का आए दिन बीमार रहता है। अम्मा इस बात पर खूब लड़ी, कहने लगी, अपना घर मौजूद है तो बोर्डिंग में पड़े रहने का मतलब। फिर इन दोनों में बहुत सी बातें हुई। अम्मा की तो ये आदत है कि अगली पिछली तमाम बातें ले बैठती हैं। गर्ज ये कि नतीजा ये हुआ कि 1 हफ्ता के बाद तसद्दुक भाई बोर्डिंग छोड़कर हमारे यहाँ आ ठहरे। तसद्दुक भाई मुझसे और बद्दू से बड़ी गप्पे हाका करते थे। इनकी बातें बेहद दिलचस्प होती। बद्दू से तो वो दिन भर ना उकताते, अलबत्ता आपा से वो ज्यादा बातें ना करते। करते भी कैसे, जब कभी वो आपा के सामने जाते तो आपा के दुपट्टे का पल्लू आप ही आप सिरक कर नीम घूंघट सा बन जाता, और आपा की भीगी भीगी आंखें झुक जाती, और वो किसी न किसी काम में शिद्दत से मसरूफ हो जाती। अब मुझे ख्याल आता है कि आपा इनकी बातें गौर से सुना करती थी, वो कहती कुछ ना थी।
भाई साहब भी बद्दू से आपा के मुतालिक पूछते रहते, लेकिन सिर्फ इस वक्त जब वो दोनों अकेले होते। बद्दू, तुम्हारी आपा क्या कर रही हैं? आपा? बद्दू लापरवाही से दोहराता, बैठी है, बुलाऊं? भाई साहब घबरा कर कहते, नहीं नहीं। अच्छा बद्दू, आज तुम्हें ये देखो, इस तरफ तुम्हें दिखाएं। और जब बद्दू का ध्यान इधर से उधर हो जाता तो वह मध्यम आवाज में कहते, अरे यार, तुम तो मुफ्त के ढिंडोरा हो। बद्दू चीख उठता, क्या हूं मैं? इस पर वो मेज बजाने लगते, डगमग 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 डगमग, ढिंडोरा यानी ये ढिंडोरा है, देखा, जिसे ढोल भी कहते हैं, डगमग डगमग, समझे? और आपा अक्सर चलते चलते इनके दरवाजे पर ठहर जाती और इनकी बातें सुनती रहती, और फिर चूल्हे के पास बैठकर आप ही आप मुस्कुराती। इस वक्त इसके सर से दुपट्टा सरक जाता, बालों की लट फिसल कर गाल पर आ गिरती, और वो भीगी भीगी आंखों में चूल्हे नाचते हुए शोलों की तरह झूमती। आपा के होंठ यूं हिलते गोया गा रही हो, मगर अल्फाज सुनाई ना देते। ऐसे में अगर अम्मा या अब्बा बावर्ची खाने में आ जाते तो वो ठिठक कर यूं अपना दुपट्टा, बाल और आंखें संभालती, गोया किसी बेतकल्लुफ महफिल में कोई बेगाना आ घुसा हो। एक दिन मैं, आपा और अम्मा बाहर सहन में बैठी थी। इस वक्त भाई साहब अंदर अपने कमरे में बद्दू से बातें कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि भाई साहब को ये मालूम नहीं था कि हम बाहर बैठे हुए हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं। भाई साहब बद्दू से कह रहे थे, मेरे यार, हम तो उससे ब्याह करेंगे जो हमसे अंग्रेजी में बातें कर सके, किताबें पढ़ सके, शतरंज, कैरम और चिड़िया खेल सके। चिड़िया जानते हो? वो गोल गोल परों वाला गेंद बल्ले से यूं डजें डजा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें मज़ेदार खाना पकाकर खिला सके, समझे? बद्दू बोला, हम तो छाजू बाजी से ब्याह करेंगे। भाई साहब ने कहा। बद्दू चीखने लगा, मैं जानता हूं तुम आपा से ब्याह करोगे। हाँ, इस वक्त अम्मा ने मुस्कुराकर आपा की तरफ देखा, मगर आपा अपने पाँव के अंगूठे का नाखून तोड़ने में इस कदर मसरूफ थी जैसे कुछ खबर ही ना हो। अंदर भाई साहब कह रहे थे, वाह, तुम्हारी आपा फिर नहीं पकाती है? तो इसमें पूरी तरह शक्कर भी नहीं डालती, बिल्कुल फीकी। आह थू, बद्दू ने कहा, अब्बा जो कहते हैं फिरनी में कम मीठा होना चाहिए, तो वो अपने अब्बा के लिए पकाती है ना, हमारे लिए तो नहीं। मैं कहूँ आपा से? बद्दू चीखा। भाई चिल्लाए, ओ पगला ढिंडोरा, लो तुम्हें ढिंडोरा पीट कर दिखाएं, ये देखो इस तरह डगमग डगमग। बद्दू फिर चिल्लाने लगा, मैं जानता हूँ तुम मेज बजा रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ, इसी तरह ढिंडोरा पिटता है ना, भाई साहब कह रहे थे, कुश्तियों में। अच्छा बद्दू, तुमने कभी कुश्ती लड़ी है? आओ हम तुम कुश्ती लड़ें, मैं हुआ गामा और तुम बद्दू पहलवान, लो आओ ठहरो। जब मैं तीन कहूँ, और इसके साथ ही उन्होंने मध्यम आवाज में कहा, अरे यार, तुम्हारी दोस्ती तो मुझे बहुत महंगी पड़ती है। मेरे ख्याल है आपा हंसी ना रोक सके, इसलिए वो उठकर बावर्ची खाने में चली गई। मेरा तो हंसी के मारे दम निकला जा रहा था, और अम्मा ने अपने मुंह में दुपट्टा ठूस लिया था, और आवाज ना निकले। मैं और आपा दोनों अपने कमरे में बैठे हुए थे कि भाई साहब आ गए। कहने लगे, क्या पढ़ रही हो जहीना? इनके मुंह से जहीना सुनकर मुझे बड़ी खुशी होती थी, हालांकि मुझे ऐसे नाम से बेहद नफरत थी। नूरजहां कैसा पुराना नाम है, बोलते ही मुंह में बासी रोटी का मजा आने लगता है। मैं तो नूरजहां सुनकर यूं महसूस करती थी जैसे किसी तारीख की किताब के बुसीदा वरक से कोई बूढ़ी अम्मा सोटा टेकती हुई आ रही हूँ। मगर भाई साहब को नाम बिगाड़कर उसे संवारने में कमाल हासिल था। उनके मुंह से जहीना सुनकर मुझे अपने नाम से कोई शिकायत ना रहती थी, और मैं महसूस करती थी गोया ईरान की शहजादी हूँ। आपा को वो सजादा से सजदे कहा करते थे, मगर वो तो पुरानी बात थी, जब आपा छोटी थी। अब तो भाई जान उसे सजदे ना कहते थे,
बल्कि इसका पूरा नाम तक ना लेने से घबराते थे। खैर, मैंने जवाब दे दिया, स्कूल का काम कर रही हूँ। पूछने लगे, तुमने कोई बर्नर्ड शाह की किताब पढ़ी है क्या? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने मेरे और आपा के दरमियान दीवार पर लटकी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारी आपा ने हार्ट ब्रेक हॉर्स पढ़ी होगी। वो कनखियों के से आपा की तरफ देख रहे थे। आपा ने आंखें उठाए बगैर ही सर हिला दिया और मध्यम आवाज में कहा, नहीं, और स्वेटर बुनने में लगी रही। भाईजान बोले, क्या बताऊं जहीना, वो क्या चीज है, नशा है नशा, खालिस शहद। तुम इसे जरूर पढ़ो, बिल्कुल आसान है, यानी इम्तिहान के बाद जरूर पढ़ना। मेरे पास ही पड़ी है। मैंने कहा, जरूर पढ़ूंगी। फिर पूछने लगे, मैं कहता हूँ, तुम्हारी आपा ने मैट्रिक के बाद पढ़ना क्यों छोड़ दिया? मैंने चिढ़कर कहा, मुझे क्या मालूम, आप खुद ही पूछ लीजिए। हालांकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि आपा ने कॉलेज में जाने से क्यों इनकार किया था। कहती थी, मेरा तो कॉलेज जाने को जी नहीं चाहता, वहाँ लड़कियों को देख कर ऐसा मालूम होता है गोया कोई नुमाइश गाह हो, दस गाह तो मालूम ही नहीं होती, जैसे मुताले के बहाने मेला लगा हो। मुझे आपा की ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैं जानती थी कि वो घर में बैठ रहने के लिए कॉलेज जाना नहीं चाहती। बड़ी आई थी नुकता चीन। इसके अलावा जब कभी भाई जान आपा की बात करते तो मैं खा मखा चिढ़ जाती। आपा तो बात का जवाब तक नहीं देती और ये आपा आपा कर रहे हैं, और फिर आपा की बात मुझसे पूछने का मतलब? मैं क्या टेलीफोन थी, खुद आपा से पूछ लेते। आपा बैठी हुई गुमसुम आपा, भीगी बिल्ली। शाम को अब्बा खाने पर बैठे बैठते हुए चिल्ला उठे, आज फिरनी में इतनी शक्कर क्यों है, कंध से होंठ चिपके जाते हैं। सजादा, सजादा बेटी, क्या खांड इतनी सस्ती हो गई है, एक लुकमा निकलना मुश्किल है। आपा की भीगी भीगी आंखें झूम रही थी। हालांकि जब कभी अब्बा जान खफा होते तो आपा का रंग जर्द पड़ जाता, मगर इस वक्त उसके गाल तमतम आ रहे थे। कहने लगी, शायद ज्यादा पड़ गई हो। यह कहकर तो वो बारशी खाने में चली गई और मैं दांत पीस कर रही, शायद क्या खूब शायद। इधर अब्बा बदस्तूर बड़बड़ा रहे थे, चार पांच दिन से देख रहा हूँ कि फिरनी में कंध बढ़ती जा रही है। सहन से अम्मा दौड़ी आई और आते ही अब्बा पर बरस पड़ी, जैसे इनकी आदत है। आप तो नाहक बिगड़ते हैं, आप हल्का मीठा पसंद करते हैं तो क्या बाकी लोग भी कम खाएं? अल्लाह रखे, घर में जवान लड़का है, इसका तो ख्याल रखना चाहिए। अब्बा को जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। कहने लगे, ओह ये बात है, मुझे बता दिया होता, मैं कहता हूँ सजादा की माँ, और वो दोनों फुसर फुसर करने लगे। आपा साहरा के घर जाने को तैयार हुई तो मैं बड़ी हैरान हुई। आपा इससे मिलना तो क्या, बात करना तक पसंद नहीं करती थी, बल्कि इसके नाम पर ही नाक भौं चढ़ाया करती थी। मैंने ख्याल किया कि जरूर कोई भेद है। इस बात में कभी कभार सहरा दीवार के साथ चारपाई खड़ी करके इस पर चढ़कर हमारी तरफ झांकती और किसी न किसी बहाने से सिलसिलाए गुफ्तगु को दराज करने की कोशिश करती, तो आपा बड़ी बेदिली से एक दो बातों से टाल देती। आप ही आप बोल उठती, अभी तो इतना काम पड़ा है और मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह कहकर वो बावर्ची खाने में जा बैठती। खैर, इस वक्त तो मैं चुपचाप बैठी रही, मगर जब आपा लौट चुकी तो कुछ देर के बाद चुपके से मैं भी सहरा के घर जा पहुँची। बातों ही बातों में मैंने जिक्र छेड़ दिया, आज आपा आई थी। सहरा ने नाखून पर पॉलिश लगाते हुए कहा, हाँ कोई किताब मंगवाने को कह गई है, न जाने क्या नाम है इसका। हाँ, हार्ट ब्रेक हाउस। आपा इस किताब को मुझसे छुपाकर दराज में मुखफ्फिल रखती थी। मुझे क्या मालूम ना था, रात को वह बार बार कभी मेरी तरफ और कभी घड़ी की तरफ देखती रहती।
उसे यूं मुस्तरिब देखकर मैंने एक छोटी सी अंगड़ाइयाँ लेती और फिर किताब बंद करके रजाई में यूं पड़ जाती जैसे मुद्दत से गहरी नींद में डूब चुकी हूँ। जब उसे यकीन हो जाता कि मैं सो चुकी हूँ तो दराज खोलकर किताब निकाल लेती और उसे पढ़ना शुरू कर देती। आखिर एक दिन मुझसे ना रहा गया। मैंने रजाई से मुंह निकालकर पूछ ही लिया, आपा ये हार्ट ब्रेक हॉर्स है? हार्ट ब्रेक हॉर्स का मतलब क्या है? दिल तोड़ने वाला घर, इसके क्या मायने हुए? आपा पहले तो ठिठक गई, फिर वो संभल कर उठी और बैठ गई, मगर इसने मेरी बात का जवाब ना दिया। मैंने इसके खामोशी से जलकर कहा, इस लिहाज से तो हमारा घर भी हार्ट ब्रेक है। कहने लगी, मैं क्या जानू। मैंने उसे जलाने को कहा। हाँ हाँ, हमारी आपा भला क्या जाने। मेरा ख्याल है ये बात उसे ज़रूर बुरी लगी, क्योंकि उसने किताब रख दी और बत्ती बुझाकर सो गई। एक दिन यूं ही फिरते फिराते मैं भाई जान के कमरे में जा निकली। पहले तो वो भाई जान इधर उधर की बातें करते रहे, फिर पूछने लगे, जहीना अच्छा ये तो बताओ, क्या तुम्हारी आपा को फ्रूट सलाद बनाना आता है? मैंने कहा, मैं क्या जानूं, जाके आपा से पूछ लीजिए। हंसकर कहने लगे, क्या किसी से लड़ाई करके आई हो? क्यों, मैं लड़ाका हूं? मैंने कहा। बोले, नहीं अभी तो लड़की हो, शायद किसी दिन लड़ाका हो जाओ। इस पर मेरी हंसी निकल गई। वो कहने लगे, देखो जहीना, मुझे लड़ना बेहद पसंद है। मैं तो ऐसी लड़की से ब्याह करूंगा जो बाकायदा सुबह से शाम तक लड़ सके, जरा ना उकताए। जाने क्यों मैं शर्मा गई और बात बदलने की खातिर पूछा, फ्रूट सलाद क्या होता है भाई जान? वो बोले, वो भी कुछ होता है, सफ़ेद सफ़ेद, लाल लाल, काला काला, नीला नीला सा। मैं इनकी बात सुनकर बहुत हंसी, फिर कहने लगे, वो मुझे बेहद पसंद है। यहाँ तो जहीना हम फिरनी खाकर उकता गए हैं। मेरा ख्याल है ये बात आपा ने ज़रूर सुन ली होगी, क्योंकि उस शाम वो बावर्ची खाने में बैठी नेमत खाना पढ़ रही थी। उस दिन के बाद रोज़ बिलानागा खाना पकाने से फारिग होकर फ्रूट सलाद बनाने की मश्क किया करती, और हम में से कोई इसके पास चला जाता तो झट फ्रूट सलाद की कश्ती छुपा देती। एक रोज़ आपा को छेड़ने की खातिर मैंने बद्दू से कहा, बद्दू भला बूझो तो, वो किश्ती जो आपा के पीछे पड़ी है उसमें क्या है? बद्दू हाथ धोकर आपा के पीछे पड़ गया। हत्ता के आपा को वो कश्ती बद्दू को देनी ही पड़ी। फिर मैंने बद्दू को और भी चमका दिया। मैंने कहा, बद्दू जाओ तो भाईजान से पूछो इस खाने का क्या नाम है। बद्दू भाईजान के कमरे की तरफ उठकर जाने लगा तो आपा ने उठकर वो कश्ती उससे छीन ली और मेरी तरफ घूर कर देखा। इस रोज पहली मर्तबा आपा ने मुझे यूं घूरा था। और इस रात को आपा शाम ही से लेट गई। मुझे साफ दिखाई देता था कि वो रजाई में पड़ी रो रही है। इस वक्त मुझे अपनी बात पर बहुत अफसोस हुआ। मेरा जी चाहता था कि उठकर आपा के पांव पड़ जाऊं और उसे खूब प्यार करूं, मगर मैं वैसे ही चुपचाप बैठी रही और किताब का एक एक लफ्ज तक ना पढ़ सकी। इन्हीं दोनों मेरी खाला जात बहन साजदा, जिसे हम सब साजो बाजी कहा करते थे, मैट्रिक का इम्तिहान देने के लिए हमारे घर आ ठहरी। साजो बाजी के आने पर हमारे घर में रौनक हो गई। हमारा घर भी कहकहों से गूंज उठा। सहरा और सुरैया चारपाइयों पर खड़ी होकर बाजी से बातें करती रहती। बद्दू छाजो बाजी चीखता फिरता और कहता, हम तो छाजो बाजी से बाह करेंगे। बाजी कहती, शक्ल तू देख अपनी, पहले मुंह धो आओ। फिर वो भाई साहब की तरफ यूं गर्दन मोड़ती, काली काली आंखों के गोशे मुस्कुराने लगते और वो पंजम तान में कहती, पूछती, है ना भाई जान? आ क्यों जी? बाजी के मुंह से भाई जान कुछ ऐसा भला सुनाई देता कि मैं खुशी से फूली ना समाती। इसके बरक्स जब आपा कभी भाई साहब कहती, ऐसा भद्दा मालूम होता, गोया वो वाकई वो इन्हें भाई कह रही है, और फिर साहब जैसे हलक में कुछ फंसा हुआ हो।
मगर भाई बाजी साहब की जगह जान कहकर इस सादे से लफ्ज में जान डाल देती थी। जहाँ आन की गूंज में भाई दब जाता और ये महसूस ही ना होता कि वो उन्हें भाई कह रही हैं। इसके अलावा भाई जान कहकर वो अपनी काली काली चमकदार आँखों से देखती और आँखें ही आँखों में मुस्कुराती तो सुनने वालों को कतई ये महसूस ना होता कि उसे भाई कहा गया है। आपा के भाई साहब और बाजी के भाई जान में इतना फर्क था। बाजी के आने पर आपा का बैठना बिल्कुल बैठ रहना ही रह गया। बद्दू ने भाई जान से खेलना छोड़ दिया। वो बाजी के गिर्द तवाफ करता रहता और बाजी भाई जान से कभी शतरंज कभी कैरम खेलती। बाजी कहती, भाई जान एक बोर्ड लगेगा? या भाई जान बाजी की मौजूदगी में बद्दू से कहते, क्यों मियाँ बद्दू, कोई है जो हमसे शतरंज में लिपटना चाहता हो? बाजी बोल उठती, आपा से पूछिए, भाई जान कहते। और तुम? बाजी झूठ मूठ की सोच में पड़ जाती, चेहरे पर संजीदगी पैदा कर लेती, भौं सिमटा लेती और तेवरी चढ़ाकर खड़ी रहती। फिर कहती, मुझसे तो आप पिट जाएंगे। भाई जान खिलखिलाकर हंस पड़ते और कहते, कल जो पीटी थी भूल गई क्या? वो जवाब देती, मैंने कहा चलो भाई जान का लिहाज कर दो वरना दुनिया क्या कहेगी, मुझसे हार गए। और फिर यूं हंसती जैसे घुंघरू बज रहे हों। रात को भाई जान बावर्ची खाने में ही खाना खाने बैठ गए। आपा चुपचाप चूल्हे के सामने बैठी थी। बद्दू छाजो बाजी कहता हुआ बाजी के दुपट्टे का पल्लू पकड़े इसके आसपास घूम रहा था। बाजी भाई जान को छेड़ रही थी, कहती थी, भाई जान तो सिर्फ 6.5 फुलके खाते हैं, इसके अलावा फिरनी की प्लेट मिल जाए तो कतई मजाका नहीं। करे भी क्या, ना खाएं तो मुमानी नाराज हो जाएं, उन्हें जो खुश रखना हो, है ना भाई जान? हम सब इस बात पर खूब हंसे। फिर बाजी इधर उधर टहलने लगी और आपा पीछे जा खड़ी हुई। आपा के पीछे फ्रूट सलाद की कश्ती पड़ी थी। बाजी ने ढकना सरकाकर देखा और कश्ती को उठा लिया। बेशतर इसके कि आपा कुछ कह सके, बाजी वो कश्ती भाई जान की तरफ ले आई। लीजिए भाई जान, इसने आंखों में हंसते हुए कहा, आप भी क्या कहेंगे, इस साजो बाजी ने कभी कुछ खिलाया ही नहीं। भाई जान ने 2-3 चमचे मुंह में ठूंस कर कहा, खुदा की कसम बहुत अच्छा बना है। किसने बनाया है? साजो बाजी ने आपा की तरफ कनखियों से देखा और हंसते हुए कहा, साजो बाजी ने और किसने भाई जान? बद्दू ने आपा के मुंह की तरफ गौर से देखा। आपा का मुंह लाल हो रहा था। बद्दू चिल्लाया, मैं बताऊं भाई जान? आपा ने बढ़कर बद्दू के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे गोद में उठाकर बाहर चले गई। बाजी के कहकहों से कमरा गूंज उठा और बद्दू की बात आई गई हो गई। भाई जान ने बाजी की तरफ देखा, ये जाने उन्हें क्या हुआ, मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें बाजी के चेहरे पर गड़ गईं। जाने क्यों मैंने महसूस किया जैसे कोई ज़बरदस्ती मुझे कमरे से बाहर घसीट रहा हो। मैं बाहर चली आई। बाहर आपा अलगनी के करीब खड़ी थी। अंदर भाई साहब ने मध्यम आवाज़ में कुछ कहा। आपा ने कान से दुपट्टा सरका दिया। फिर बाजी की आवाज़ आई, छोड़िए ना छोड़िए। फिर खामोशी छा गई। अगले दिन हम सहन में बैठे थे। इस वक्त भाईजान अपने कमरे में पढ़ रहे थे। बद्दू भी कहीं इधर ही खेल रहा था। बाजी हंस बेमामूल भाईजान के कमरे में चली गई। कहने लगी, आज एक धंधनाता बोर्ड कर दिखाऊं, क्या राय है आपकी? भाईजान बोले, वाह, यहाँ से किक लगाऊं तो जाने कहाँ जा पड़ूं। गालबन उन्होंने बाजी की तरफ जोर से पैर चलाया होगा। वो बनौटी गुस्से में चिल्लाई, वाह, आप तो हमेशा पैर से ही छड़ते हैं। भाई जान ने वहाँ बोल उठे, तो क्या हाथ से? चुप खामोश, बाजी चीखी। इसके भागने की आवाज़ आई। एक मिनट तो पकड़ धकड़ सुनाई दी, फिर खामोशी छा गई।
इतने में कहीं से बद्दू भागता हुआ आया, कहने लगा, पापा अंदर भाई जान बाजी से कुश्ती लड़ रहे हैं, चलो दिखाऊं तुम्हें। चलो भी, वो आपा का बाजू पकड़कर घसीटने लगा। आपा का रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था और वो भूत बनी खड़ी थी। बद्दू ने आपा को छोड़ दिया, कहने लगा, अम्मा कहाँ है? और वो अम्मा के पास जाने के लिए दौड़ा। आपा ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। आओ तुम्हें मिठाई दूं, बद्दू बसोरने लगा। आपा बोली, आओ देखो तो कैसी अच्छी मिठाई है मेरे पास, और उसे बावर्ची खाने में ले गई। इसी शाम में मैं अपनी किताबों की अलमारी खोली तो आपा की हार्ट ब्रेक हॉर्स पड़ी थी। शायद आपा ने इसे वहां से रख दिया हो। मैं हैरान हुई कि बात क्या है, मगर आपा बावर्ची खाने में चुपचाप बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके पीछे फ्रूट सलाद की कश्ती खाली पड़ी थी, अलबत्ता आपा के होंठ भिजे हुए थे। भाई तसद्दुक और बाजी की शादी के 2 साल बाद हमें पहली बार इनके घर जाने का इत्तेफाक हुआ। अब बाजी वो बाजी ना थी, इसके वो कहकहे भी ना थे। उसका रंग जर्द था और माथे पर शिकन चढ़ी थी। भाई साहब भी चुपचाप रहते थे। एक शाम अम्मा के अलावा हम सब बावर्ची खाने में बैठे थे। भाई कहने लगे, बद्दू साजू बाजू से ब्याह करोगे? बद्दू ने कहा, हम ब्याह करेंगे ही नहीं। मैंने पूछा, भाईजान याद है जब बद्दू कहा करता था, हम तो छाजू बाजू से ब्याह करेंगे? अम्मा ने पूछा, आपा से क्यों नहीं? तो कहने लगा, बताओ तो आपा कैसी हैं? फिर चूल्हे में जले हुए उपले की तरफ इशारा करके कहने लगा, ऐसी। अच्छा जो बाजी, मैंने बद्दू की तरह बिजली की रोशन बल्ब की तरफ उंगली से इशारा किया, ऐसी। एन उसी वक्त बिजली बुझ गई और कमरे में अंगारों की रोशनी के सिवा अंधेरा छा गया। हाँ याद है, भाई जान ने कहा। फिर जब बाजी किसी काम के लिए बाहर चली गई तो भाई कहने लगे, न जाने अब बिजली को क्या हो गया है, जलती बुझती ही रहती है। आपा चुपचाप बैठी चूल्हे में राख से दबी हुई चिंगारियों को कुरेद रही थी। भाई जान ने मगमोग सी आवाज में कहा, उफ कितनी सर्दी है। फिर उठकर आपा के करीब चूल्हे के सामने जा बैठे और उन सुलगते हुए उपलों से हाथ सेकने लगे। बोले, मुमानी सच कहती थी, इन जले हुए उपलों में आग दबी होती है, ऊपर से नहीं दिखाई देती, क्यों सजदे? आपा परे से रखने लगी तो छन सी आवाज आई, जैसे किसी दबी हुई चिंगारी पर पानी की बूंदें पड़ रही हों। भाई जान मिन्नत भरी आवाज में कहने लगे, अब तो इस चिंगारी को ना बुझाओ सजदे, देखो तो कितनी ठंड है। कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगली कहानी में फिर मिलूँगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।